अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाजिर हुए डेयरी इंग्लिश लर्निंग में। आज हम कुछ और वर्ड सीखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव होना। जब भी किसी चीज़ की प्राइसेस अप डाउन हो जाती है तो हम कहते हैं कि प्राइसेस फ्लक्चुएट हो गई है। फार्मुलेट का मतलब होता है तरतीब देना, फार्मुलेट मीन्स तरतीब देना। फोस्टर का मतलब होता है फ़रोग देना, किसी चीज़ को फ़रोग देने के लिए फोस्टर का वर्ड यूज़ किया जाता है। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। गेज का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा लगाने के लिए गेज का वर्ड यूज़ किया जाता है। जनरेट का मतलब होता है पैदा करना, पैदा करना जनरेट। ग्रेस्प का मतलब होता है समझना, ग्रेस्प मीन्स समझना। गारंटी का मतलब होता है ज़मानत देना, गारंटी मीन्स ज़मानत देना। हैंडर का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को रोकने के लिए हैंडर का वर्ड यूज़ किया जा सकता है। हाइपोथेसाइज़ का मतलब होता है कयास करना, किसी चीज़ के बारे में अपनी राय देना। हाइपोथेसाइज़ हाइपोथेसिस से निकला हुआ। एल्यूमिनेट का मतलब होता है रोशनी डालना, किसी चीज़ पे रोशनी डालने के लिए एल्यूमिनेट का वर्ड यूज़ किया जाता है। इलस्ट्रेट का मतलब होता है मिसाल देना, इलस्ट्रेट मीन्स मिसाल देना। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। फ्लक्चुएट उतार चढ़ाव होना, फार्मुलेट तरतीब देना, फोस्टर फ़रोग देना, फुलफिल पूरा करना, गेज अंदाज़ा लगाना, जनरेट पैदा करना, ग्रेस्प समझना, गारंटी ज़मानत देना, हैंडर रोकना, हाइपोथेसाइज़ कयास करना, एल्यूमिनेट रोशनी डालना, इलस्ट्रेट मिसाल देना। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।